40 seconds. Real time programs activated. Four
इसे SS2 SS3 कंबाइंड कोस्टिक फेज कहा जाता है। इस घटनाक्रम में अगली घटना होगी SS2 प्रोपेटिंग करंट तथा SS3 का प्रज्वलन। यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। नेक्स्ट फ्लाइट इवेंट इज द सेपरेशन ऑफ द सेकेंड स्टेज व्हिच हैज कंप्लीटेड इट्स ऑपरेशन। तथा कोस्ट फेस पूर्ण करने के पश्चात पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण SS3 प्रज्वलित हो चुका है। Right now the SSLV is in its third stage regime. The carbon fiber filament wound case with 4.5 tons of HDPE based solid propellant loading, SS3 will propel the rocket from 333.6 kilometers to 356.5 kilometers. A significant delta V addition takes place. It is about 3.7 kilometers per second. That's the amount of velocity increase. SS3 का प्रज्वलन काल 112 सेकंड का होगा। इस दौरान यह निर्वात प्रणोद 160 किलोन्यूटन का उत्पन्न करेगा। Third stage performance normal. चरण के दौरान ही कक्षीय स्थितियां प्राप्त की जा सकेंगी। सिंगापुर एयरपोर्ट रेल स्टेशन स्टिल ट्रैकिंग द एक्शन टाइम फॉर थर्ड स्टेज इज 112 सेकंड्स आफ्टर व्हिच देयर विल बी अ कंबाइंड कोस्ट फेज। वुमेन इन स्पेस के थीम को भी सहायक बन रहा है।
वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल व टर्मिनल चरण है जो कि अंतक्षेपण की पूरी स्थितियां प्राप्त करेगा। You are watching us live from the Mission Control Center here at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. This is a maiden launch of SSLV T1 US-03 mission. अभी आप ऑन बोर्ड कैमरा की मदद से देख पा रहे हैं EOS का कार्य पूर्ण हो चुका है और इसे बंद किया जा चुका है।